युवक कांग्रेस द्वारा यंग इंडिया भाषण प्रतियोगिता के सेकेंड सीजन के तहत टैलेंट खोजने का काम किया जा रहा है। इसे लेकर मंगलवार को युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पराग शर्मा शाजापुर आई। यहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा कर कहा कि जिसमें टैलेंट होगा वह कांग्रेस का प्रवक्ता बनाया जाएगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता पराग शर्मा ने कहा कि युवक कांग्रेस के प्रवक्ता पद के लिए 18 से 35 साल के युवा आगे आए। इसके लिए 31 मई तक गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन किए जाएंगे। युवा भारती युवक कांग्रेस में आए अपनी बात मजबूती से रखे, प्रवक्ता पद के लिए चयन हो 1 जून से 31 जुलाई मध्य प्रदेश में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के लोकल इशू को टारगेट किया जाएगा, सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा, वक्ता को जिला स्तर पर चयनित किया जाएगा। पराग शर्मा ने प्रदेश की मौजूदा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने जनमत की सरकार को खरीद फरोख्त कर गिरा दिया है। ये सरकार गरीब मजदूर और किसानों के खिलाफ है। उन्होंने देश में जारी अजान और हनुमान चालीसा को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा है। देखिए, यंग इंडिया के बोल एक ऐसी भाषण प्रतियोगिता है कि जिसके तहत हम 18 साल से 35 साल के युवाओं और युवतियों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आएं और आज देश में किस तरीके से नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है, झूठ का बोलबाला है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई में शामिल हों, लोकतांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ें, अपनी आवाज़ बुलंद करके सरकार के खिलाफ लड़ें। आज आप देख सकते हैं बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आसमान छू रही है, डीजल पेट्रोल CNG इनके दाम हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, मगर सरकार ने मौन धारण किया हुआ है। हमारी यही कोशिश है कि इन मुद्दों पर युवा अपनी आवाज़ बुलंद करें और इस सरकार के कान तक पहुँचाएँ। हमारी यही कोशिश है कि जो लोग राजनीति के लिए एक मंच ढूंढते हैं, भारतीय युवा कांग्रेस के माध्यम से उन्हें ये मंच मिले और वो अपनी बात पूरे देश के साथ साझा करें। धन्यवाद। शाजापुर से दिलीप सुराष्ट्री की रिपोर्ट।